हाय गाइस, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी तो गर्मी में एक मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंगो वाला शरबत हम बनाएंगे। तो ये है आम पाना की शरबत। तो आम पाना की शरबत कैसे बनाते हैं हम आज हम आपको बताएंगे पूरा पूरा रेमेडी कैसे बनाना होता है। तो काचा वाला आम है ना, जो ग्रीन वाला मैंगो हम पाड़ लेंगे गाछ से। ये तो हम अच्छे वाला मैंगो पाड़ के, तो कैसे बनाते हैं पूरा वीडियो को देखना और मैंगो को जो शरबत है वो बनाएंगे और हम खाएंगे और कैसे बनाना है वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो बनाते हैं। पहले हम गाछ से पूरा फ्रेश वाला मैंगो तोड़ लेते हैं, ग्रीन वाला मैंगो, जो कच्चे वाला मैंगो तोड़ लेंगे। तो चलो ग्रीन मैंगो, पूरा फ्रेश ग्रीन मैंगो। तो यहाँ पर एक ही मैंगो है, तो ये एक मैंगो है, तो यहाँ पर ये तो पकेगा नहीं, अभी लेट होगा। तो चलो ये वाला तोड़ते हैं। तो ये हम एक आम तोड़ लिए हैं कच्चा। तो चलो इसको पकाते हैं पहले गैस ओवन में। तो पहले मैं इस मैंगो को अच्छे से धोऊंगी पानी में, फ्रेश वाटर में। एक जाली है, तो जाली से जो रोटी पकाते हैं तो इससे ही हम आम को पका लेंगे। तो गाइस, मैं इस मैंगो को, इसके आम को 10 या 15 मिनट इस चूल्हा में छोड़ देंगे पकने के लिए। फिर 15 मिनट के बाद हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे कैसे आम का पाना बनाना है। तो चलो, तो आम पाना की शरबत हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इस गर्मी में आप लोग भी ऐसे ही बना कर खाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलो फिर बनाते हैं आम पाना का शरबत। देखो ये ब्लैक वाला हो गया, तो इसको हम उल्टा दिया है। तो मैंगो का एक तरफ काला हो गया देखियो, और दूसरे वाला तो काला नहीं हो, इसलिए उसको पकने दे दिए हैं। तो चलो मिलते हैं पकने के बाद। तो गाइस, अभी तो आम पक रहे हैं और मैं तो फ्री हो गया हूँ, तो आम पकने में देरी हो गई है। तो इसलिए हम क्या करें, तो कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग तो बहुत सारे कमेंट मुझे करते हो कि अंडर आर्म्स के इस अभी लेट होगा आम पकने में, तो इसलिए हम क्या करें, तो कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग तो बहुत सारे कमेंट मुझे करते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देखता है तो वो कमेंट करते हैं कि आर्मपिट का हेयर रिमूव करो, कि कोई भी क्या कहते हैं कि आर्मपिट का हेयर नहीं रिमूव करो। तो इसलिए हम ये बोलने आए हैं कि करके बताना कि मैं अंडर आर्म्स को या तो रिमूव करूँ या नहीं करूँ। जो भी कमेंट बेसिक ज़्यादा आएगा वही हम करेंगे। तो अभी तो हम सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो हम आर्मपिट का हेयर का सेविंग नहीं किए हैं। तो आप लोग भी कमेंट में या मैं सेविंग कर दूँ, क्लीन कर दूँ, तो जो भी, तो वीडियो में जो कमेंट ज़्यादा आएगा रखना या रिमूव करना, तो वो हम आप लोगों के साथ छोड़ देती हूँ। तो आप लोग भी बताना मैं क्या करूँगी। तो कमेंट में जरूर हज़ार हज़ार कमेंट करना, तो इसलिए हम अभी तो शाकाहारी करेंगे। तो गाइज़,
ठोक के कमेंट करो, और मुझे 1000 कमेंट चाहिए, 1000। गाइस आप लोगों का कमेंट, मैं तो बहुत घर में बिजी रहती हूँ काम करने में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का कमेंट को मैं पढ़ूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ती हुई और लाइक भी करती हूँ। तो इसलिए इसलिए मैंने बोला कि 1000 कमेंट आप लोग किए तो हम पिन या रिमूव या फिर तो हम आप लोगों के साथ आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. तो गाइस देखो, आम तो पूरा ब्लैक हो गया। तो चलो गाइस, मेरा तो आम पक गया है। हम अच्छे से पानी में इसको ठंडा कर लेंगे। तो चलो छिलका को इसके अच्छे से निकाल लेते हैं। तो अभी हम ग्राइंडर ले लिए, ग्राइंडर से अच्छे से ग्रेड कर लेंगे मैंगो को। तो ये जीरा को हम सूखा वाला कराए। तो चलो आम को ग्रेट कर लिए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, और इसमें हम देंगे ये कच्चा वाला नमक देंगे, और बीट लवन देंगे, और लेमन देंगे कुछ, और थोड़ा शुगर ऐड करेंगे। पहले डालेंगे आइस, फिर देंगे आम, और जो जीरा वाला भाजा है वो जीरा भाजा। तो गाइस मेरा आम का शरबत कैसा लगा, आप लोग घर में बना के खाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इस गर्मी में रिलैक्स भी होगा, अंदर से भी, बाहर से भी और मन से भी। तो चलो खाते हैं। तो चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा है टेस्ट भी। तो चलो मेरा ये गर्मी वाला रेसिपी कैसा लगा, आम पाना के शरबत, मेरा कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं एक नया वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, भरपूर कमेंट, 1000 कमेंट, 1000।